एच टू एच फिटिंग होती है अपना, और बाकी इसमें भाई बल्ब वगैरह चेंज करा सकते हो अगर भाई वो भी कराना है तो। प्रॉपर अपना वाइट और ब्लैक फिनिश में दे रखा है ये, और कॉम्बिनेशन में बाकी भाई एच टू एच फिटिंग हुई है। बाकी यहाँ पे देखो सेटिस्फाई तरीके से हुआ है। बाकी आप जितना प्राइस लेके चले थे, बजट लेके चले थे, विद इन बजट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज फिर से आ चुके अपना जोड़ी कार एक्सेसरीज पे, और सारा काम भाई अपना वैगनर का हो रहा है, तो वीडियो से जुड़े रहो। और आगे वैगनर में क्या क्या लग रहा है मेन, तो भाई यहाँ पे अपना निपोन का 9 इंचेस एंड्रॉयड लग रहा है ये पूरा अपना भाई। एस टू एच अपनी फिटिंग आती है। बाकी प्राइसिंग वगैरह भाई नंबर डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो कॉल करके। बाकी भाई सोनी के स्पीकर्स लग रहे हैं इसमें, तो ये भाई अपने ओरिजिनल है। बहुत लोग बोलेंगे भाई कॉपी भी आती है इसमें, तो भाई ये चीज़ देख लो, मारुति के अपने जो ओरिजिनल मारुति लगा के देती है वो वाले अपने स्पीकर्स हैं ये वाले। और भाई आउटपुट वगैरह तो भाई मैं गाड़ी में सुना ही दूंगा। बाकी प्राइसिंग वगैरह कितनी तक चली जाती है वो भी भाई अपना वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी ओनर वगैरह का भी रिस्पांस लेंगे, कैसा कुछ क्या क्या काम हुआ है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं भाई अपना क्या क्या मेन इसमें यही काम हुआ है, तो भाई इसमें अपने सीट्स कवर, बाकी व्हील कैप्स और बाकी अपने मैट जीएफआई के, तो भाई वो सब मैं चीज़ें चेकआउट कराऊंगा। मेन अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ें थी, तो भाई वो चीज़ अपने स्पीकर्स और अपना आप एंड्रॉयड कहोगे तो ये इंस्टॉल हुआ है। बाकी ले चल के गाड़ी में रिस्पांस मैं पूरा चेकआउट करा दूंगा कि अपना कैसे कुछ लगा है, क्या क्या फिटिंग आई है और कितने कुछ भाई प्राइस होगा। तो जूड़ी भी अपने साथ आ चुके हैं, वो बता पाएंगे भाई अपना क्या क्या गाड़ी में अच्छे से इंस्टॉल हुआ है और क्या क्या चीज़ें लगी है इसमें। तो अपना सबसे पहले इसमें बताओ कि कितना कुछ बजट जा रहा है। 25,000 रुपये सारा काम कराना। अच्छा, 24 से 25,000 के बीच में पूरा। और अपन ओरिजिनल सामान करा। अच्छा अच्छा, हाँ का। अच्छा, और अपने मिंडा की फोकलाइन। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो अपने कंपनी देती है काम वो करा है इसमें पूरा, ठीक है। तो भाई बहुत लोग बोल रहे थे भाई हमें मारुति की जो ओरिजिनल जेन्युइन एक्सेसरीज होती है वो लगानी है, तो भाई वो लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। तो भाई आज हम वही चेकआउट कराने वाले हैं कि भाई मारुति की ओरिजिनल जो हमारे पास एक्सेसरीज हैं वो क्या क्या अवेलेबल हैं और क्या क्या लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले आज भाई वैगनर से ही शुरुआत करें कि इसमें अपना क्या क्या हमारे पास इंस्टॉल करवा सकते हो। पहले स्टार्टिंग में मिंडा की फॉग लैंप लगाई। भाई ये चीज़ देख लो, मिंडा के अपने फॉग लैंप्स लगाए हैं, और भाई एच टू एच फिटिंग होती है अपना। और बाकी इसमें भाई बल्ब वगैरह चेंज करा सकते हो अगर भाई वो भी कराना है तो। बाकी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो अब जो इसके स्विच वगैरह होता है वो अलग से करते हो? पार्किंग से करा। अच्छा, वो पार्किंग से ही करा। वन पॉइंट चलाते ही नीचे हैंडल से। तो इसका लाइट में से तो कनेक्शन नहीं दिया? कुछ नहीं, इस लाइट का कटा हम कंप्यूटर सारा काम करा हमने। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसका अलग करा है कनेक्शन? हाँ जी। तो इसका स्विच, अच्छा स्विच वगैरह इसका लगा है? कुछ नहीं लगा इसके अंदर। अच्छा अच्छा, वायरिंग आती है ना कंपनी की, दो तरह की आती है, एक 1 पॉइंट एक 2 पॉइंट। अच्छा अच्छा, 1 पॉइंट में तो नीचे बम्पर लाइट के लिए होता है। हाँ हाँ हाँ, 2 पॉइंट जो होता है हेडलाइट के लिए होता है। अच्छा अच्छा, समझ। तो भाई ये चीज़ है, बाकी भाई लगवा सकते हो, काफ़ी चीप प्राइस पे अपना अवेलेबल है। बाकी प्राइस वगैरह बोलोगे तो भाई भैया से डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हो भाई, आके बिल्कुल लगवा सकते हो। और अपना इसमें आगे क्या क्या इंस्टॉल करा है? तो भाई डायमंड कट्स अपने जो भैया ताइवान वाले रिकमेंड करते हैं भाई, वो चीज़ है। बाकी थोड़ी लुक वगैरह आ जाती है इसलिए भैया भी रिकमेंड करते हैं इसको। और पूरा अंदर ब्लैक पेंट करा है भाई, ये चीज़ देखोगे तो। ये अपना छूटता वगैरह तो नहीं है? एक साल की गारंटी थी। अच्छा अच्छा, ये छूटता वगैरह तो नहीं है ना वैसे? तो भाई ये चीज़ देख लो, लगाने का भी तरीका होता है। अच्छा अच्छा, कई दुकानदार होते हैं वो देख लेते हैं, वो यही देखते हैं हम उसमें क्या करते हैं, पहले हम इसकी सफाई करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर इसमें हीट से हम गर्म करते हैं, 5-6 मिनट के रुक जाते हैं, फिर स्प्रे पेंट करके आधे घंटे में रुक जाते हैं। तो भाई ये चीज़ है, बाकी भैया ने पहले भी बता रखा है। बाकी भाई डायमंड कट अपने ये व्हील कैप्स इंस्टॉल कर दिया भाई, अलॉय से कम इनकी लुक नहीं आती। बाकी भाई पूरे टाई बेल्ट के साथ अपना प्रॉपर इसको इंस्टॉल करा है। और बाकी साइड प्रोफाइल से आ जाए भाई मड फ्लैप, तो भाई ये भी अपनी जो मारुति की ओरिजिनल जेन्युइन एक्सेसरीज आती है उसमें की एक है, तो ये चीज़ भी अपनी इंस्टॉल करी है। बाकी भाई इधर देखोगे तो साइड बिटिंग जो भाई अपनी वैगनर की ओरिजिनल आती है। बाकी ये भाई अब पियानो फिनिश में आने लगी है, तो भाई आप भी इंस्टॉल करा सकते हो, काफ़ी अच्छी आइटम है ये भी। बाकी भाई क्रोम वगैरह लगवाना है तो वो भी लग जाता है, वो आप जाके दूसरी वीडियो चेकआउट करो, उसमें हमने सारा काम दिखा रहा है क्रोम से वर्क के रिलेटेड। बाकी भाई कुछ भी लगवाना है तो वो भी आप लगवा सकते हो। बाकी ओनर ने ज़्यादा इसमें काम नहीं करवाया, सिंपल शॉर्ट काम करा दिया। अच्छा अच्छा, बाकी भैया नेक्स्ट मीटर वाला चल जाएगी तो हम बाकी और जो काम। अच्छा अच्छा, 2000 रुपये लेके वो बाद में कराएंगे। तो बेसिक काम अपना कराया, तो भाई ये चीज़ है। बाकी भाई अपने इसमें देखोगे तो डोर वाइजर अपने इंस्टॉल करे हैं इसमें गैलियो के, तो भाई ये अपना भाई काफ़ी अच्छी पार्ट है ये भी, और भाई बारिश वगैरह से बचाती है, तो भाई बिल्कुल लगवा सकते हो आप।
और अपना इसमें क्या क्या इंस्टॉल करा है? लेग गार्ड लगा दिया। अच्छा, लेग गार्ड बूटी वाली रिक्शा वाले होते हैं, मार देते हैं, सॉरी मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो भाई ये चीज़ है, बाकी आप लगवा सकते हो बिल्कुल। और इसमें अपने रिफ्लेक्टर्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करें? अच्छा अच्छा, तो भाई ये चीज़ है, बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह भाई आप चाहो तो इंस्टॉल करा सकते हो यहाँ पे। बाकी भाई अपनी अपनी मर्जी होती है कि अपना इंस्टॉल कराना है। तो स्पॉइलर वगैरह भी इसमें इंस्टॉल नहीं करा? अच्छा अच्छा, अगले उसमें बिल्कुल। तो भाई ये नहीं है कि आप आओगे भाई 50,000 रुपये में काम होगा, आप भाई 20,000 रुपये लेके आओगे तो 20,000 रुपये का भी काम हो जाएगा। तो और अपना बाहर से इतना ही पार्ट हुआ है, तो आ जाओ मेन अंदर अपना क्या क्या इंस्टॉल हुआ है। बाकी भाई अंदर से चेकआउट मैं करा दूँ तो देखोगे। सबसे पहले तो भाई इधर सीट कवर मेरे को जैसा कि भाई दिख रहे हैं अपना, और प्रॉपर अपना वाइट और ब्लैक फिनिश में दे रखा है ये, और कॉम्बिनेशन में। बाकी भाई एस टू एस फिटिंग हुई है। बाकी यहाँ पे देखो, और भाई कुशनिंग वगैरह देखोगे तो भाई काफ़ी अच्छी कुशनिंग वगैरह भी आ रही है। बहुत लोगों तो भाई अपना अंदर से खाली खाली होता है यहाँ पे, तो भाई ऐसा आपको पार्ट कहीं नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल कुशनिंग करके दिया, ये नहीं कि खाली छोड़ दिया अंदर से, तो भाई प्रॉपर बकेट करके, और अंदर भाई जहाँ स्पेस बचती है वहाँ भाई कुशनिंग कर देते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो भाई ये पार्ट देख सकते हो, काफ़ी कम्फर्टेबल हो जाएंगी आपकी सीट्स, तो आप इंस्टॉल करा सकते हो। तो भाई ये चीज़ देख लो, फ्लोरिंग अपना जो मैट होते हैं नॉर्मल वाले वो इंस्टॉल कर रहे हैं, पूरा एज टू एज वाले भाई यहाँ से देखोगे। अच्छा, GFI के। तो भाई ये अच्छा अच्छा, तो भाई ये चीज़ देख लो भाई, बिल्कुल एज टू एज फिट होती है। तो भाई ये आप भी भाई लगवा सकते हो अपना, आगे भी बहुत होते हैं भाई मैट अपने फिसल से जाते हैं, तो भाई ये बिल्कुल प्रॉपर एज टू एज इंस्टॉल होंगे, कोई आगे वगैरह की दिक्कत नहीं है। बाकी भाई आगे ना पीछे प्रॉपर एज देख सकते हो, कटिंग देखो उसकी भी। अच्छा अच्छा, तो भाई ये चीज देख लो। बाकी भाई आप नॉर्मल वाले डालोगे तो वो फिसल से जाते हैं। हाँ जी, जी। तो भाई और आप 70 भाई काफी महंगे आते हैं, तो भाई ये पार्ट आप इंस्टॉल करा सकते हो। ये भाई मैंने आपको दिखा दिया चीप प्राइस में, बिल्कुल अच्छे भाई अपने मैट्स आपको मिल जाएंगे GF के। और बाकी भैया बता देंगे अपना इसमें क्या क्या इंस्टॉल किया। अपना जो हमारा एंड्रॉयड है 9 इंचेस वो इंस्टॉल करा है इसमें पूरा। बाकी भाई गूगल प्ले सर्विस वगैरह इसमें अपडेट हो रहा है। बाकी मैं आपको भाई क्लैरिटी में दिखा दूं तो अपना गूगल प्ले सर्विस वाला, तो ये अपना कौन सा निपोन का 16 लगाया। तो भाई ये चीज़ है, बाकी निपोन का है, बाकी 9 इंचेस एंड्रॉयड है भाई, मारुति की अपनी कंपनी है एंड्रॉयड जो अपना ये निपोन है, तो आप भी भाई लगवा सकते हो, काफ़ी अच्छी आइटम है। बाकी भाई स्टेयरिंग रैप वगैरह देखोगे तो भाई अभी रैप हो रहा है, ये नहीं कि अभी रैप हो चुका है भाई, रैप हो रहा है धीरे धीरे। बाकी भाई बिना स्टेयरिंग खुले रैप करा सकते हो बिल्कुल आके आप। और अपना इसमें क्या क्या इंस्टॉल करा है? और इसमें भी सीट कवर्स हो गए मैन अंदर, अभी भी ना सिंपल शोर काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो अभी ये जो चीज लगी ना, अभी गाड़ी डायरेक्ट शोरूम से चल गई है 220 किलोमीटर भाई। ये चीज देख लो 220 किलोमीटर है, और भाई यहाँ से देखोगे तो भाई लोगों का ट्रस्ट है, तभी भाई लोग आ रहे हैं अपना जूड़ी कार एसेसरीज पे बिल्कुल। तो भाई आप भी आके बिल्कुल लगवा सकते हो, लोगों का ट्रस्ट है तो भाई तभी आ रहे हैं। बाकी निपोन का भाई मैं वो चेकआउट कराऊँ, रिस्पांस वगैरह तो भाई लैगी वगैरह भी नहीं है, और आके भाई आप खुद चेकआउट कर सकते हो। बहुत सी कंपनियाँ डीवास वगैरह, तो भाई जैसी आपकी पसंद है आप वैसे इंस्टॉल करा सकते हो बिल्कुल। तो और अपना स्पीकर से रिलेटेड इसमें क्या क्या इंस्टॉल करा है? आगे दो सोनी के जनरल स्पीकर लगाए। अच्छा, जो हमने सोनी के दिखाए आपको, हाँ, तो भाई वो चेकआउट कराए थे, वो वाले अपने स्पीकर इंस्टॉल करें इसमें। और पीछे अच्छा, आगे दो ही लगाए हैं तो भाई लोग लगाए इसके अंदर। अच्छा अच्छा, तो भाई बाकी सोनी का वो कोएक्सियल स्पीकर्स है, तो अपना वाट कितने हैं वो? 320 वाट। अच्छा, 320 वाट है, तो भाई वो अपने इंस्टॉल करें इसमें आगे। बाकी दो ही स्पीकर का हम रिस्पॉन्स सुना देंगे। बाकी गियर लॉक वगैरह इंस्टॉल करा इसमें, तो यहाँ से देखोगे तो भाई यहाँ पे ये अपना लॉक है। बाकी इसमें लगा दोगे बैक गियर अपना लग के लगता होगा ये। हाँ जी, तो भाई ये बिल्कुल आप भी लगवा सकते हो भाई, सेफ्टी पर्पज के लिए बहुत अच्छी आइटम है बिल्कुल भाई, और काफी चीप प्राइस पे अपना लग जाता है ये। तो अपने सीट कवर वगैरह इंस्टॉल होने देते हैं, फिर उसके बाद पूरा चेकआउट कराएंगे। NCS का रिस्पॉन्स सुना देता हूँ अपना इसमें भाई, एंड्रॉयड 9 इंचेस इंस्टॉल होकर आया। बाकी सोनी के अपने 260 वॉट के ओरिजिनल स्पीकर्स इंस्टॉल करें जो भाई अपने कोएक्सियल वाले होते हैं। बाकी सीट कवर वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं, तो उससे पहले भाई मैं आपको NCS का रिस्पॉन्स पूरा प्रॉपर तरीके से चेकआउट करा दूँ कि अपना कैसा कुछ रिस्पॉन्स है अपना क्या कुछ है। तो भाई चालू करते हैं, बाकी इंस्टा पे आ जाना, वहाँ पे हिंदी चाहे पंजाबी सॉन्ग मिल जाएगा। बाकी ID आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, तो भाई सुन लो अपना NCS का रिस्पॉन्स। We'll be right back.
भाई आपने पूरा एनसीएस का रिस्पांस भी भाई सुन लिया होगा, अपने दो स्पीकर्स अपने इसमें आगे इंस्टॉल हुए हैं, बाकी रेयर के अपने स्पीकर्स इंस्टॉल नहीं हुए, तो भाई ऐसा कुछ अपना रिस्पांस है। बाकी इंस्टा पे आओ, वहाँ पे हिंदी चाहे पंजाबी सॉन्ग में अपने सुन लेना कैसा कुछ। वैगनर का काम चेकआउट कर लिया, बाकी ओनर वगैरह से रिस्पांस ले लेते हैं कैसा कुछ काम था, क्या बजट लेके चले और भाई उसमें अपना काम वगैरह हो गया कि नहीं हो गया, बाकी भाई रिकमेंड करते हैं कि नहीं। तो सर अपने साथ हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम पवन है। आप कहाँ से आए हो? अच्छा रोहिणी से ही। तो आप वीडियो देख के ही आए थे? हाँ, वीडियो देख के। तो जैसे बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि वीडियो में चाहे जुड़ी भैया हैं तो वीडियो में अलग, चाहे काम में कोई अलग दिखा? कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा अच्छा, तो काम सेटिस्फाई तरीके से हुआ है? बाकी आप जितना प्राइस लेके चले थे, बजट लेके चले थे? विद इन बजट है। तो अब जैसे बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि हमें जेन्युइन एक्सेसरीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, सोनी के हमारे जो स्पीकर जैसे आपकी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल हैं कि नहीं है? नहीं, एग्जैक्टली वो मैंने सारा वेरीफाई किया, चेक किया। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और प्राइसिंग वगैरह बाकी कम थी दूसरों के कंपैरिजन से? तो आप इन फ्यूचर किसी को रिकमेंड करना चाहोगे? तो अगर जैसे जूड़ी भैया को नंबर देने हैं 10 out of 10, तो कितने दोगे? 9। तो बाकी भाई एक वगैरह की अपनी कसर रह गई है, तो वो चीज़ भाई आप बिल्कुल देख सकते हो। बाकी सारा काम आपने चेकआउट कर दिया, ओनर का भी रिस्पांस मैंने चेकआउट करा दिया, तो बिल्कुल आ सकते हो आप जूड़ी कार एसेसरीज पे। भाई फ़ोन नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में है अपना, जाके अपना बता दो अपना कितना कुछ इसमें पैसे लग गए अपना इन सब कामों में? 25,000। अच्छा, 24,000 से 25,000 में पूरा काम हुआ है। तो ये अपना बेसिक काम था जो नीड होती है, तो भाई ये चीज़ है। बाकी आपने पूरा काम भी चेकआउट कर लिया अपना वैगनर का, तो अगर जैसे किसी को भी काम कराना है तो कहाँ आ सकता है? आप रोहिणी सेक्टर 7 कार मार्केट, जुड़ी कार एसेसरीज। बाकी भैया का फोन नंबर भाई स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, फोन करके आप भाई पूछ सकते हो प्राइस वगैरह चेकआउट करके। पूछना हर कस्टमर का हक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कस्टमर जब भी गाड़ी लेता है तो हर जगह बाजार में आता है तो ट्राई करता है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो में ट्राई करें। और जो आजकल वीडियो वाले मैंने आ चुके हैं वो दुकान दिखाते नहीं है, बाहर कहीं ले आके वीडियो बना के हमारी जी दुकान है, उनकी दुकान किसी की कोई दुकान नहीं होती। बिल्कुल तो भाई, सबका काम कमीशन बेस पे होता है। अपना जूड़ी कार एसेसरीज है और भाई ट्रस्ट अपना पूरा है, किसी भी काम से रिलेटेड वारंटी वगैरह भाई आपको पूरी मिलेगी। जूड़ी कार की किसी भी एक ही दुकान नागपुर के अंदर, तो भाई कोई ब्रांच वगैरह नहीं है। बाकी भाई आप आके बिल्कुल प्रॉपर तसल्ली तरीके से अपना काम करा सकते हो, प्राइस वगैरह बाकी कंपेयर भी कर सकते हो अपने प्राइस वगैरह। भाई सबसे कम प्राइसिंग पे अपना काम हो जाएगा, आपको हाई एंड सिस्टम लगवाना है तो वो भी हो जाएगा, बाकी भाई आपको बेसिक काम कराना तो मैंने आपको वो भी चेकआउट करा दिया। बाकी वैगनर की अपनी बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे, जाके देखो, उसमें भाई अपने 50,000 वाले, 60,000 वाले, 20,000 वाले भी काम मैंने डाल रखे हैं, तो भाई आप जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। जब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक करना, और भाई अपने स्पीकर्स जो आपने इंस्टॉल करे थे वो अपने 260 वॉट के हैं, तो भाई वो अपने 320 वॉट्स के नहीं है, 260 वॉट के हैं, तो वो भी मैंने भाई बता दिया पहले ही। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और भाई वीडियो लास्ट तक देखिए तो लाइक का बटन दबा देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी अच्छी अच्छी वीडियो अपनी इससे रिलेटेड आएगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।